उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और मोरल सोशल सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय उर्दू सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर के सहित अन्य जिलों से बड़े बड़े शायर व शोगा मौजूद रहे। उर्दू सेमिनार रामपुर जिले के चंदा होल में आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया, साथ ही मंच से चर्चा भी की गयी। आज ये प्रोग्राम जो यहाँ चंदा पैलेस में हो रहा है उर्दू को लेकर, इसमें उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश ने हमें ताउन किया है और पिछले साल भी ये प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में किया था और इस बार भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये उर्दू को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू पढ़ने वालों की बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ बहुत बड़े शोरा पैदा हुए हैं, बड़े बड़े शायर और राइटर हैं, लेकिन उर्दू नई नस्ल जो है वो नहीं पढ़ रही है, इससे उर्दू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। हम चाहते ये हैं कि उर्दू सभी लोग पढ़ें, ये सभी की ज़ुबान है, बड़ी शीरी ज़ुबान है और इसमें सिख और हिंदू और मुसलमान सभी बहुत बड़े बड़े शायर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान लेवल पर इनकलाब पैदा किया अपनी शायरी से। और लेकिन आज हमें अफसोस होता है कि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है। ठीक, ये देखिए, ये एक उर्दू का सेमिनार है मॉरल सोसाइटी की तरफ से और उर्दू अकेडमी इसमें उत्साह कर रही है, हमारे साथ सहयोग कर रही है। इसका उन्वान है उर्दू के इनकलाब पसंद छोड़ा और अभी। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने? ये मौजू अपने हिसाब से बहुत बहुत जवाबदस्ती है, बहुत वाइड रेंज का मौजू है और उर्दू के लोगों को इसका हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनकलाब पसंद छोड़ा और अदीब जो थे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में भरपा और उड़ा किया था, इनकलाब से अपने एक तरह से जंग आज़ादी का रुख मोड़ दिया था, जैसे कैफी आजमी, शायर लुधियानवी, जोश मलियाबादी, हजरत रूहानी, इन्होंने जो शायरी की जो अदब दिया होता उससे उसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ हिला दी। किन चर्चाएं हुई आज, किस मुद्दे पे बात हुई यहाँ पर? आज इसी मुद्दे पर आसपास बातचीत चल रही है और हमारे जो मखाला निगार हैं, हमने 8-10 मखाला निगार इसके लिए मुंतखब किए थे जो इलाका जितने शोहरत याफ्ता इन राष्ट्रीय फेम के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाता है, यहाँ लोगों भी बकालत हैं, दिल्ली से, बिजनौर से आए हैं, अमरोहे से आए हैं और मुरादाबाद से आए हैं, तो इन मकालत की दुनिया में इनके नाम जाने पड़ते हैं। ठीक, क्या संदेश है, एक छोटा सा कोई संदेश आपका आपके उर्दू को आगे बढ़ाने का? हाँ, हमारा संदेश यही है कि उर्दू की लीडरशिप जो ख़त्म होती जा रही है तेज़ी के साथ ख़त्म होती जा रही है, उर्दू रसाइल बंद होते चल जा रहा है, उर्दू की किताबें नहीं बिकती, वो दौर वापस आना चाहिए, उर्दू पर तहफ़ मिलना चाहिए और उर्दू हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई जाए, क्योंकि ये बैन अल अक्वामी ज़माना है।